है, एक पॉलिटिकल बात भी उन्होंने कही, तो आप उनके पूरे भाषण को आप ये कह रहे हैं कि वो पॉलिटिकल भाषण ज्यादा था, मणिपुर पे बात बहुत कम थी, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भाषण हिंदुस्तान के बारे में नहीं था, भाषण नरेंद्र मोदी जी के बारे में था। वो अपनी राय, अपनी राजनीति, अपने एम्बिशंस वो आपको दे रहे थे। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि मणिपुर जल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, सवाल ये है। अगर ये प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं तो ये पब्लिक मीटिंग में कहें, मजाक बनाना चाहते हैं तो जब मणिपुर नहीं चल रहा है तो करें। बट प्रधानमंत्री को यह समझ आनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए कि पार्लियामेंट में जो चर्चा हो रही थी वो उनके बारे में नहीं थी, वो मणिपुर के बारे में थी। सर नमस्कार। कल प्रधानमंत्री ने बार बार कांग्रेस का नाम लिया और ये आरोप लगाया कि नॉर्थ ईस्ट और मणिपुर की सारी समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, आप क्या जवाब देंगे? नहीं, अभी मैंने बोला ना, वही तो जवाब है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है, भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में, भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, मुझे क्या जवाब देने की जरूरत है? हाँ, राहुल मिस्टर गांधी, यू वैक्स एलोक्वेंट। राहुल, आपने बोला कि प्रधानमंत्री ने बोला सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तार से जवाब दे दिया। अमित शाह साहब ये कहते हैं कि मणिपुर के सीएम को हटाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी और वो कभी भी कोई हमने डीजीपी चेंज किया, डीजीपी चेंज कर दिया उन्होंने, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हम चेंज करना चाहते थे इसलिए मणिपुर सीएम को हटा। मणिपुर सीएम, जब मैं मणिपुर गया, मणिपुर सीएम ने जो मणिपुर में हजारों वेपन्स जो लूटे गए वो मणिपुर सीएम के नीचे ही हुआ, तो क्या अमित शाह चाहते थे कि ये हजारों वेपन्स लूटे जाएं? हाँ संजय। राहुल जी, जो हिंसा चल रही है क्या अमित शाह चाहते हैं कि हिंसा चलती जाए? चीफ मिनिस्टर उसको रोक नहीं पा रहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं कि भैया वो हमारी बात मान रहा है, तो क्या आप चाहते हैं कि मणिपुर चलता जाए? राहुल जी, एक संसद में एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सेशन से ऑपोजिशन के एमपीज या तो सस्पेंड हो रहे हैं या डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या सेशन से एक सेशन से ज्यादा ये ऑपोजिशन के एमपीज का जो प्रिविलेज मोशन या प्रिविलेज रूल्स के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है या सस्पेंशन हो रहा है, इसका जो ट्रेंड बढ़ रहा है इसको आप लोग कैसे एड्रेस करेंगे? आप देखिए, एमपीज को निकालें, वापस डालें, हमारा काम बदलता नहीं है। हमारा लक्ष्य जो मणिपुर में हो रहा है उसको रुकवाने का है, जो भी औजार हमारे हाथों में है उस हिंसा को रुकवाने के लिए उनका हम प्रयोग कर रहे हैं और करेंगे। मिस्टर गांधी, यू टॉक्ड अबाउट यूजिंग द आर्मी, डिप्लॉइंग द आर्मी टू कंट्रोल वायलेंस, यू स्पोक दैट इन पार्लियामेंट, यू रिपीटेड हियर, बट द बीजेपी हैज क्रिटिसाइज्ड यू एंड इवन प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट, सेइंग दैट वी वांट टू सॉल्व द इश्यू थ्रू डायलॉग, and they've criticized that in the 60s, in 64, the Mizo National Famine Front was bombed by the Indian Army, by the Indian Air Force. So they said that, you know, they do not believe it. I have never heard, in my entire career, I have never seen, I have never been told